वेलकम टू जी मनी हेल्थ शो। मैं हूं नेहा बजाज और हमेशा से कोशिश हमारी यही रहती है कि अपने हर एपिसोड में आपकी बातचीत कराएं एक्सपर्ट से, एक स्पेशलिस्ट से, ताकि आपको सही राय मिले और आपके सारे सवालों के जवाब भी आपको मिले। और आज इस स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ जुड़ रही हैं मिस सहर, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज आज के एपिसोड में हम काफी सारी चीजों पर बात करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सहर जी पिछले 18 सालों से मेंटल हेल्थ के फील्ड में काम कर रहे हैं। खुद का उनका वेंचर है हे यू मैटर, यानी कि हम, और साइकेट्रिक काउंसलिंग का कोर्स उन्होंने किया है TISS यानी कि TISS मुंबई से। सो मिस सहर, वी वेलकम यू टू आवर शो। थैंक यू नेहा। ओके, सो जैसे कि आज के एपिसोड में हमने बात की कि हम मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करेंगे, तो आज सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं इंसोमिया के बारे में। तो जितने हमारे व्यूअर्स हैं उनको आप ये बताइए कि इंसोमिया क्या है, इसके कितने टाइप होते हैं और क्या सिम्टम्स हैं। इंसोमिया इज अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्लीप। जिस व्यक्ति को नींद नहीं आती या जिस व्यक्ति को नींद आने के बाद उसकी नींद घड़ी घड़ी टूटती है, दैट मीन्स ही इज अ लाइट स्लीपर, थोड़ी सी आवाज से डिस्टर्ब होता है, यू डोंट स्लीप, दैट्स इंसोमिया। एंड 60% आई थिंक इंसोमिया जो होता है वो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या कुछ डेडलाइंस मीट करना हो या वर्कलोड बहुत हो, उन कारणों से होता है। ओके, और इसके क्या टाइप्स हैं कोई? जस्ट नॉट एबल, बीइंग एबल टू स्लीप। ओके, हालांकि आजकल लोग इंस्टाग्राम पे लिख देते हैं अपने लेट नाइट पोस्ट्स में बीइंग इन इंसोम्नियाक, बट यस, ये एक गंभीर बात है। तो एंड दिस हैज टू बी ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपको एक दिन, एक हफ्ता नींद नहीं आ रही है, इट कुड बी वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, इट कुड बी एग्जाम फोबिया फॉर अ चाइल्ड, दैट डजंट मीन यू हैव इंसोम्निया। इंसोम्निया इज, इट हैज अ पीरियड ऑफ टाइम, दो तीन महीनों से अगर ये प्रॉब्लम है तो देन यू शुड विजिट अ डॉक्टर एंड आस्क फॉर हेल्प। क्या वुमेन सफर फ्रॉम इंसोम्निया मोर देन मेन, और अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है? Actually, yes, according to statistics, women do suffer more because biologically, women are made in such a way that they have hormonal changes at different times of, many times in their life. Yes. Puberty ho gaya to hormones change hote hain, pregnancy ho gayi to hormones change hote hain, labor ho gaya postpartum, they go through a lot of pain. There are a lot of changes. Menopause mein, there are a lot of changes. So the mentality, the mental health of the woman is affected because of this. Right. So maybe because of all these stressors and pain, and they have to manage too many things together, too many responsibilities. So probably, yes, could be more. And in men, adulthood mein, there is a stress of work and family. Old age stressors and physical problems के वजह से। Okay, so अगली चीज जो आती है वो आती है therapy पर, कि आपके पास भी बहुत सारे लोग आते होंगे who are going through this, in fact lot of teenagers and even young people, तो कुछ therapies के बारे में कुछ briefly आप बताना चाहेंगे हमारे viewers को जो आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। Common thing for people with insomnia जो लेते हैं वो sleeping pills लेते हैं। By registered doctors, of course. But according to me as a therapist, I would not advise somebody to take it for a very long time unless they really need it, because they have side effects as well. So as a therapist, I would definitely think that if they use a lot of relaxation techniques, if they use meditation, yoga, exercise, and we also do behavior therapy. मतलब देर आर लॉट ऑफ बिहेवियर्स ऑफ अ पर्सन विच अफेक्ट हिज और हर स्लीप, जो उनके नेगेटिव थॉट्स होते हैं उनको हम लोग डिफ्यूज करके उनको वी इनकल्केट पॉजिटिव थॉट्स, सो यू नो इट ऑल डज अफेक्ट द स्लीप ऑफ द पर्सन। ओके, और मुझे लग रहा है आज के एपिसोड में हमें बड़ी सारी नई बातें जानने को मिल रही हैं। तो अब मैं आपसे कुछ थोड़ा सा ऐसे जेनरिक पूछना चाहती हूँ कि स्ट्रेस अवॉइडिंग टेक्निक्स क्या हो सकती हैं, बिकॉज स्ट्रेस मतलब आजकल बच्चे भी बोल देते हैं बहुत, स्टडीज का स्ट्रेस है, ट्यूशन का स्ट्रेस है,
मतलब तो कैसे स्ट्रेस को अवॉइड किया जा सकता है? वी हैव टू बी सेल्फ अवेयर, हमें अपने आप को जानना है कि हमें किस चीज से स्ट्रेस होता है, क्यों होता है. वी हैव टू ऑब्जर्व आर डे टू डे लिविंग, व्हाट आर वी डूइंग, व्हाट आर वी ईटिंग, हुम डू वी मीट, वेयर डू वी गो, एवरीथिंग मैटर्स. एंड वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट. And we have to have, we are here for that. We do a lot of cognitive behavior therapy. Aur hum log, you, we are here to hear you. You know, there's a saying that if a person is heard, only heard, to uska aadha stress wahin khatam ho jata hai. Ji. So it's always good to talk. Right. Aur ye bhi aapne badi achhi baat ki, ki agar koi hume sun le, to aadha hum waise hi light feel karte hain. एंड उसी के साथ साथ आप कुछ जितने व्यूअर्स हैं उनके साथ कुछ स्लीपिंग टेक्निक्स, टिप्स, या हाउ कैन वी प्रमोट गुड स्लीपिंग हैबिट, वो जो सबसे ज्यादा जो हम लैक कर रहे हैं. समथिंग कॉल्ड लाइक स्लीप हाइजीन. ओके, द फर्स्ट थिंग इज दैट वी शुड ईट लाइट, वी शुड ईट राइट, एंड वी शुड ईट इन टाइम, अर्ली. अवॉइड निकोटीन, एल्कोहल, कैफीन प्रोडक्ट्स आफ्टर our dinner. Okay. I think a hot shower also helps a lot of people before sleeping. There is some family problems or there are some work related problems. We should try to solve them in the earlier part of the day instead of keeping them for the night and discussing them in the night. So, you know, it helps a lot. And of course, we can do deep breathing exercises before we sleep because it gives us a lot of oxygen. It gives us oxygen to the brain. We kind of have a habit ki raat ko sab sochte rehte hain, ye hua, wo hua. Jabki aapne badi achhi baat ki ki jo hai din mein hi solve kar lo. Don't keep it for the night. And sabse important is that we should keep our gadgets away at least half an hour before we sleep. Because this screen time in adults, children, men, women, it's just creating a havoc. Okay. So if you don't sleep well, to aapke agle din ki performance aur aapke agle din ke kaam pe bahut effect karta hai. You are exhausted, tired, fatigued. Acha, jaate jaate koi ek aisi tip of the day, koi ek tip jo aap sabhi viewers ko dena chahte hain. I would give as a mental health professional is that prioritize your mental health. Yes. जब हमको बुखार होता है, हमें फ्रैक्चर हो जाता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं. लेकिन अगर हम परेशान हैं, हमें उलझन हो रही है, घबराहट हो रही है, तो हम डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? So I want to say, don't stigmatize mental health, prioritize mental health. Okay, that's a very good tip. तो अगर आपको भी लग रहा है कि कोई उलझन है, परेशानी है, तो प्रोफेशनल से बात करिए. इसमें कोई हेजिटेशन, कोई हिचक की बात नहीं है. एंड थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे जी मनी हेल्थ शो में जुड़ी और मेंटल हेल्थ को लेकर आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे सभी व्यूअर्स के साथ शेयर की, जिसमें से मैं तो यही फॉलो करूंगी कि टाइम पर डिनर करना है और फोन पे नहीं लगे रहना है फॉर गुड स्लीप. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू टू. ओके सो गाइज, जी मनी हेल्थ शो में अब मेरा टाइम हो गया जाने का, बट आपसे मिलेंगे एक नए एपिसोड में, नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे. Meanwhile, अगर आप भी किसी चीज पर डिस्कशन देखना चाहते हैं, सो कमेंट बॉक्स में पोस्टिंग करके जरूर बताइए. तो चलिए अब मैं चलती हूँ, लेकिन हमारे जी मानी के पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. बाय बाय.